बेटा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मीनिंग क्या दिख रहा है आपको? आरएमएस स्पीड विल बी इक्वल टू, पहले आप स्पीड का स्क्वायर करोगे फिर उसका मीन ले लोगे, ठीक है ना? उल्टा करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस स्पीड का मतलब है पहले स्पीड का स्क्वायर करो और फिर उसका मीन ले लो, इसका मतलब होता है एवरेज, ठीक है? और फिर उस पर आप रूट लगा दो, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाएगी, ठीक है? और अभी आपने निकाला है कि हाफ एम वी स्क्वायर बार की वैल्यू निकाली है आपने अभी अभी, हाफ एम वी स्क्वायर बार आपने निकाला है 3/2 के बी इंटू टी, ये अभी अभी निकाला है आपने, ठीक है ना? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली है आपने? हाफ एम वी स्क्वायर बार इक्वल्स टू 3/2 के बी टी, यहाँ से वी स्क्वायर बार कितना आ जाएगा आपका? वी स्क्वायर बार कितना आ जाएगा? वही कर देते हैं, चलो इसको वी स्क्वायर बार इक्वल टू, 2 से 2 कट गया, 3, के बी की जगह आर बाई एन ए और मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इधर आ गया, टी आ गया, देख रहे हो? के बी की जगह मैंने क्या रख दिया? के बी की जगह मैंने रख दिया आर अपॉन एन ए, ठीक है? और मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इंटू एन ए विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो वी स्क्वायर बार कितना आ रहा है? 3 RT अपॉन एम नॉट आ रहा है, स्क्वायर का एवरेज। तो इसलिए आपकी आरएमएस वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? आरएमएस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 RT बाई एम नॉट हो जाएगी। तो इसको याद रखेंगे हमेशा, आरएमएस स्पीड क्या होती है किसी भी गैस की, अलग अलग गैस की अलग अलग होती है, मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड कर, ठीक है ना? तो ये तीसरा फार्मूला है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पता है आपको, ट्रांसलेशनल पी इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार पता है, और ये आरएमएस स्पीड भी याद रखनी है आपको, अंडर रूट 3 RT बाई एम नॉट। फिर आपसे पूछे कि आरएमएस अलग से क्यों डिफाइन करनी पड़ रही है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इस स्पीड में, ठीक है ना? तो आपको अगर टोटल मास ऑफ गैस पता है, ठीक है ना, तो आप केवल हाफ टोटल मास ऑफ गैस इंटू वी आरएमएस स्क्वायर करके टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपको मास ऑफ गैस कैपिटल एम दे रखा है और आपको गैस की आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड दे रखी है, ठीक है, तो टोटल काइनेटिक, एवरेज की बात नहीं कर रहा, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूरी गैस की कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू वी आरएमएस स्क्वायर हो जाएगी। देख लो आप चाहे से, पूरी टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो कभी भी आपसे कोई पूछ रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी है, तो अगर आप बिल्कुल बेसिक काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन से ही जा रहे हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी होगी आपकी? मॉलिक्यूल्स के मास सारे आइडेंटिकल हैं, पहले ही बात हो चुकी है, तो हाफ एम वी टू स्क्वायर ऐसे ऐड करोगे कि नहीं करोगे? ये क्या बनेगा, 1/2 इंटू एम वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस, अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपने कैपिटल एन मान लिए, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन मान लोगे, तो एन और एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना? तो ये क्या बन गया, देखो आपका एम इंटू एन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल मास ऑफ गैस नहीं बन जाएगा? और ये क्या है, सारे स्क्वायर का एवरेज हो गया, तो ये क्या बनेगा, वी स्क्वायर बार, और वी स्क्वायर बार किसके बराबर है आपका, वी आर एम एस स्क्वायर के बराबर ही, तो ये तो डेफिनेशन है, ठीक है ना? वी स्क्वायर बार इक्वल्स टू वी आर एम एस स्क्वायर। तो इसलिए आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हाफ इंटू टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है, हाफ इंटू टोटल मास ऑफ गैस इंटू इसको क्या लिख दिया, वी आर एम एस स्क्वायर। तो ये आर एम एस वो स्पीड है बेटा जिससे आप पूरी गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी गैस की किसी भी इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स की ऐड की जाए तो किसके बराबर आएंगी, हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर के बराबर आएंगे। बताइए कोई दिक्कत इसमें आपको, बात क्लियर है? ठीक है, अब इससे एक चीज और देखो, ये वही आ जाती है 3 RT बाई एम नॉट आ रही है ना, ठीक है, तो मास अपॉन एम नॉट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे,
वही आ जाएगी एन सी वी इंटू टी। चलो अभी देखते हैं, अभी निकालेंगे एन सी वी इंटू टी आ जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी तो होती है वो जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना। वो एन सी वी नंबर ऑफ मोल्स, आप इसकी जगह वी आर एम एस स्क्वायर की जगह रख दीजिए, 3 RT/m0, एम अपॉन एम नॉट मोल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। और जो 3R/2 होता है, सी बी तो है उसका एटॉमिक मोनो एटॉमिक गैस का, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस में आप देखोगे केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी है, रोटेशनल नहीं है, इसलिए वो रखने पर ये एग्जैक्टली मोनो एटॉमिक गैस की एनर्जी एन सी वी इंटू टी के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। रख के देख लो, देखो इसको, और टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ रही है, आप इसमें रखो उसको, हाफ इंटू एम अपॉन एम नॉट 3 RT/m0, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स बन गए, मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल का, एक मोल का वेट ही तो होता है एम नॉट, 10 × m0 = m, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन गए 3/2 R(n)T। तो फोर मोनो एटॉमिक गैस सी वी क्या बोलता हूँ मैं, 3R/2 ही तो बोलता हूँ, तो वही तो लिखा हुआ है एन सी वी, क्योंकि मोनो डायटोमिक के लिए नहीं आई, क्योंकि केवल ट्रांसलेशनल है, डायटोमिक में रोटेशनल एनर्जी भी रहेगी मॉलिक्यूल, ठीक है, बट मोनो एटॉमिक में तो कोई रोटेशनल नहीं होती है, क्योंकि बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका अपनी एक्सेस के अबाउट नेग्लेजिबल मान लिया, साइज बहुत कम मानने की वजह से, ठीक है ना। आई उनका नेग्लेजिबल, में सब बातें करेंगे अपन थोड़ी देर, बट आपको अभी क्लियर है कि वही लिखा हुआ है, क्योंकि आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली है ना बेटा गैस की, तो यही तो आपकी क्या इंटरनल एनर्जी, इसी को तो बोलते हैं गैस, इसलिए वो एन सी वी टी के बराबर है, ठीक है। बट आ केवल किस में रही है, मोनो एटॉमिक में, क्योंकि डाई एटॉमिक में आपके ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी हो, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है ना, तो एक एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, वो सब बातें करेंगे आपको, बट ये डेरिवेशन क्लियर है आपको। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है, इसलिए आरएमएस की इम्पोर्टेंस है, डायरेक्ट मास इंटू वी आरएमएस स्क्वायर। फार्मूला क्या है, अंडर रूट 3 RT/m0, ठीक है।